स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि मैंने पहले भी तुमको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं इसको, और आई होप तुम लोगों ने लॉग चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ तो वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और जो हमारा अभी टेस्ट होने वाला है, दैट इज आई थिंक ऑन कमिंग संडे, दैट विल बी बेस्ड टोटली ऑन लॉग, और थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी होगा तो, बट मोस्टली द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। तो पहला चीज की क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर रूट्स वगैरह, ऐसे हम फ्लो करेंगे, फ्लो में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखना व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगेन आई एम नॉट इक्वेटिंग इट टू जीरो, जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या होता है। राइट इट द वे आई एम राइटिंग इट, एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर, या फिर ऐसे लिख लो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वेयर, कॉमा के बाद वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, एक्सप्रेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक में, जो इस टाइप का होता है जिसमें हमारा ए बी सी तो कॉन्स्टेंट है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर है, जैसे मैंने तुम्हें लिखा ना कि मान लो एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। बट अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, नाउ दिस इज द इक्वेशन, क्या बोला, जब तक मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा था तब तक मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, किसी एक्स का एक्सप्रेशन है। बट व्हेन आई एम इक्वेटिंग इट टू जीरो, देन आई विल से दिस इज द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज क्यूबिक, हेंस दिस विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन हुआ, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। तो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखूं, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनना देखो, लिखो इधर, a quadratic expression equated to zero is called quadratic equation। समझ में आया। तो इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, उसी को मैं जीरो को इक्वेट कर देता हूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। हेंस द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन, एक्सप्रेशन अलग है। एक्सप्रेशन तो सिंपली बस मैंने ऐसे लिख दिया, जीरो को इक्वेट नहीं किया, अगर मैं उसको जीरो को इक्वेट करूंगा तब मैं उसको इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आता हूं इस पे थोड़ा सा ए बी सी के ऊपर कि ये कांस्टेंट क्यों है। सुनना, तो उससे पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, आई विल रब दिस पार्ट। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे ए बी सी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर नहीं हुई तो दिक्कत क्या होगी, वो दिक्कत ये होगी कि वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा फिर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लेट a इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 2x प्लस 3 मान लिया, एक मिनट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वॉयलेट कर रहा हूँ कंडीशन को, क्या कि a b c कांस्टेंट है। तो लेट से आई एम सेइंग a इज 2x प्लस 3, तो मैं इधर रखूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्योंकि क्यूब आ गया ना इधर, तो क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तब मेरे ए, जब मेरे ए बी सी आर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट देन दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा अब आते हैं इसके डिस्कशन पे. ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होगा? अगर मान लो ए जीरो के बराबर हो गया, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तब मेरा एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को वन ले लिया, सी को वन ले लिया, तो एक्स प्लस वन. तो ये तो लीनियर है, ये तो हमने बेसिक इनइक्वालिटी में ही देखा था. दिस इज अ लीनियर, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. इसलिए मैंने बोला क्वाड्रेटिक की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए प्लस ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. अच्छा कोई बोलेगा सर बी और सी जीरो हो सकते हैं क्या? हाँ बी और सी जीरो हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी और सी जीरो हो सकते हैं. के लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स ए को वन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी को जीरो ले लिया सी को टू ले लिया. ठीक है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने अब एक्स स्क्वायर बी को वन लिया सी को जीरो ले लिया. This is a quadratic equation. तो B और C तो जीरो हो सकते हैं बट A कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर A जीरो हो गया तो हमारा वो quadratic नहीं बचेगा, क्योंकि हमें चाहिए quadratic में जो highest power है X का that should be 2, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है आई होप समझ में आया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन. चलो अब हम मूव करते हैं इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे, दैट इज आइडेंटिटी के ऊपर. तो उससे पहले क्या करो तुम लोग वीडियो पॉज करके कॉपी करो और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम रूट्स का, कैसे रूट्स वगैरह निकालते हैं वो सब. और वैसे भी शायद तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा बट दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू. सो लिसन हियर, देखो जैसे कि मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब मैं इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए. तो पहले मैं ये देख लेता हूँ किसी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, उसके बाद आई मूव टू द डेरिवेशन पार्ट. ठीक है तो एक मिनट के लिए मैंने इसको कंटिन्यूशन करने से पहले एक बार पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस लेट्स से टू लिखा है, मान लिया ये लिखा है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वील कंसेंट्रेट ओनली ऑन दीज टू टर्म्स. क्या करेंगे हम, इन दोनों टर्म्स पे कंसेंट्रेट करेंगे. तो अब मेरे को इस इन दोनों टर्म्स को कैसे लाना है, देखना ऐसे लाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square के फॉर्म में, so that इस चीज को मैं लिख लूं a plus b का होल स्क्वायर, kind of this. तो उसके लिए क्या किया, देखो a की जगह x रखा तो काम हो जाएगा x plus b की जगह मैं क्या रखूं, ये 2x लिखा है तो 1 से काम चल जाएगा, इसका स्क्वायर. अब क्या करूं, अब देखो ऐसा करने पे मेरे क्या क्या आया, x square आया, अच्छी बात है, 2x आया, अच्छी बात है, इधर से 1 आया, लेकिन मुझे चाहिए क्या 2, तो बराबर करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, 1 और ऐड करना पड़ेगा. Yes. तो उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना इज कॉल्ड मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. आई होप समझ में आया होगा. अभी और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, चलो प्लस 10. तो क्या करोगे तुम, इस टर्म को लिखना x प्लस इसको डिवाइड बाय 2 करके लिखना. क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में 2 एबी आने वाला है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका हाफ तो 4x आएगा ना. तो क्या किया, 4x का आधा मतलब 4 का आधा विच इज 2, तो 2 करके फिर स्क्वायर किया. ऐसा करने पे क्या होगा, तुम्हारे ये दोनों टर्म एडजस्ट हो जाएंगे. अब कॉन्स्टेंट को एडजस्ट करने के लिए वो भार प्लस माइनस कुछ भी लगा देंगे आप, जो भी एक्चुअल होगा इधर. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 × 2 × 2x 4x, इधर 4 आया बट इधर 10 चाहिए था, तो बराबर करने के लिए क्या करें हम, प्लस 6. तो प्लस 6 और भी लिख लेते हैं, अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. मैंने लिखा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. चलो आप क्या करें, मैंने क्या बोला पहले इसके चलते x लिखो प्लस इसका हाफ, जैसे इधर 4 का हाफ लिखा था 2, इधर लिखो 3 का आधा 3/2, इसका स्क्वायर करो. ऐसा करने पे क्या होगा, अब फील आ जाएगी तुम्हें, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे. करके देखो x स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 से कैंसिल 3x आ जाएगा, आ गया प्लस इधर क्या आ गया 9/4 आ गया, बट मुझे चाहिए था 1, तो पहले तो मैंने 9/4 को हटाया, 9/4 को, तो माइनस 9/4, बट चाहिए क्या 1, तो प्लस 1. एक्चुअली ये 6 भी ऐसे ही आया, आया कैसे ये 6, देखना ध्यान से क्या किया, प्लस 4 आ गया मेरा एक्स्ट्रा, पहले माइनस 4 और प्लस 10 चाहिए था तो प्लस 10, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने डायरेक्टली लिख दिया था प्लस 6. बट हम हैबिट कैसे बनाएंगे कि जो जो कांस्टेंट है ना उसके करस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर आ रहा है उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर चाहिए क्या वो अलग से जाके ऐड कर दिया. इसको भी कॉपी कर लेना और देख लेते हैं. मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस
फाइव एक्स प्लस सिक्स, चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ा ऐसे लिख ले, टेन एक्स। तो अगेन क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस टेन एक्स की जगह टेन का हाफ मतलब फाइव, क्योंकि टू ए बी आने वाला है, टू ए बी से टेन एक्स जनरेट हो जाएगा तो स्क्वायर। ऐसा करने पे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स मतलब टू ए बी से प्लस ट्वेंटी फाइव आएगा। तो पहले तो मैंने माइनस ट्वेंटी फाइव कर दिया और फिर प्लस सिक्स चाहिए था तो प्लस सिक्स, हैंस दीज टू आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। समझ में आया? चलो और चलो और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूजिंग एक्सप्रेशन है एक्स का, जो कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज होगा। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वो आगे चल के पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा इसको और देख लेते हैं। देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो क्या करें, इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस एक्स के साथ क्या लिखा है वन, वन का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा तो हाफ इसका स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों टर्म आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी से एक्स आ गया प्लस वन बाई टू का स्क्वायर एक्स्ट्रा आया, तो पहले वन बाई टू का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया और ऊपर वन चाहिए था तो प्लस वन। आई होप आप समझ में आ गया हो, काफ़ी इलस्ट्रेशन हो गया इसके ऊपर। अच्छा एक और छोटा सा ले लेते हैं इसके बेसिस पे, देखना मैंने लिखा अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्या करो वीडियो पॉज करके खुद सोचो कैसे बनाए, ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जांपल थे जस्ट सी के एफ ओली, उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशन वन था दिख रहा है, बट इधर वन नहीं है, तो ठीक है वन है नहीं है तो वन बना लेते हैं, टू को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं टू को कॉमन ले लेते हैं। तो टू को कॉमन लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव बाई टू। देखना ध्यान से देखना ये, इसके बाद ये तुम्हें ही करना है पहले वीडियो पॉज करके, एकदम सेम जैसे इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशन ए है तो वन बनाना है, ए को बाहर लेंगे, जैसे कि मैंने इधर टू को बाहर लिया, नाउ क्या करें, नाउ कंसंट्रेट ऑन दीज टू टर्म्स। तो देखना टू तो बाहर लिखा है, नाउ कंसंट्रेट हियर, इसके चलते एक्स प्लस थ्री बाई टू का हाफ क्या होगा, थ्री बाई फोर, तो थ्री बाई फोर इसका स्क्वायर। अब ऐसा करने पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर आ गया टू ए बी के कारण थ्री बाई टू एक्स आ गया, बट इससे मेरा एक्स्ट्रा क्या आ गया, थ्री बाई फोर का स्क्वायर मतलब नाइन बाई सिक्सटीन। तो पहले तो मैंने लिखा माइनस नाइन बाई सिक्सटीन और फिर ये जो चाहिए था एक्चुअली में वो ऐड कर दिया प्लस फाइव बाई टू। अब ऊपर वाला और ये एक्सप्रेशन सेम निकला, दिस वी विल कॉल इट अ परफेक्ट स्क्वायर काइंड। समझ में आया क्या किया हमने, हमें केवल दो टर्म्स पे फोकस रखना है। पहले सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, नहीं तो लिख लो उधर नोट करके, फर्स्ट मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन और फिर जो एक्स का कोफिशियंट बचा उसका हाफ एक्स में ऐड करके स्क्वायर बनाना है। दोबारा एक बार क्या बोला मैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाओ, उसके बाद जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसका हाफ किस में ऐड करो, एक्स में ऐड करो और उसका स्क्वायर ले लो, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को एडजस्ट करो, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को एडजस्ट करो। तो अब हम देख लेते हैं, तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है वीडियो पॉज करके इतने को कॉपी करो। चलो तो जैसा कि मैंने बोला था अभी क्या करें, हम ए को कॉमन ले लेते हैं। चलो तो मैं भी मैं बोल रहा हूं कि मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं एक डिफरेंट फॉर्म में, आई वॉन्ट टू राइट दिस एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन, आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, इक्वेशन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक्सप्रेशन। तो मैंने बोला जैसे कि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँ, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाता हूँ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय, अब क्या बोला था, इन दोनों टर्म पे कंसंट्रेट करो, एक्स में क्या ऐड करो, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, इधर बी बाय ए लिखा है तो इसका आधा क्या होगा, बी बाय टू ए, b by 2a इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या लिखा है मेरा बाहर अभी a मल्टीप्लाइड है। देखना एक एक स्टेप ध्यान से, अब क्या करूं मैं कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करता हूं, तो ऐसा करने पे x स्क्वायर से ये आया 2ab के कारण ये आया, जब हम b फॉर्मूला लगाते हैं 2 into a into b, लेकिन इसका स्क्वायर व्हिच इज b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर वो एक्स्ट्रा आएगा इधर, तो उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, कैसे आया ये, इसका स्क्वायर, बट वो चाहिए तो c बाय है ना, तो प्लस c बाय, क्लियर हुआ बच्चों। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अभी एकदम सेम लिखा है, इसको ओपन करो सिंपलीफाई करो और यही आ जाएगा, हेलो ये तीनों एक ही चीज लिखी है, ऑल द थ्री एक्सप्रेशन आर एकदम सेम, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, बस मैंने इसको अलग फॉर्म में लिखा है। लेट्स से मैंने 4 को 2 into 2 लिख दिया, तो ये दोनों एक ही चीज लिखी है, उसी प्रकार ये और ये तीनों एक ही चीज लिखी है,
समझ में आया? हाँ, इतना बोल सकते हैं। एक चीज जैसे अगर आप मोर और एक्यूरेटली लिखना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर हमने एक्चुअली क्या किया, हमने ए को कॉमन लिया ना, तो हमने ए को इधर डिवाइड हो रहा है, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम ऐसे लिख सकते हैं कॉमा ए नॉट इक्वल टू जीरो, और हमने तो वैसे भी डेफिनेशन में बोल ही दिया था ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। क्लियर है ना? चलो, तो ये आ गया हमारा। अब देखना ध्यान से, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज करने वाले। ए आया, इसको ए को कॉपी किया, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, इधर एलसीएम लेना है मुझे, फोर ए स्क्वायर चाहिए, तो क्या किया सी में, चलो इधर मैं रब कर रहा हूँ इतना पार्ट, देखना ध्यान से, इतना लिखा है, तो इधर मुझे फोर ए स्क्वायर चाहिए, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो क्या करूँ फोर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, सो दैट आई कैन टेक एलसीएम। तो क्या किया, फोर ए फोर ए, जस्ट लुक एट हियर, अब इन दोनों टर्म को एक साथ लिख सकता हूँ। अच्छा, अब लिखने में भी क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, जस्ट लुक एट हियर, माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा देखना ध्यान से, फोर ए स्क्वायर तो एलसीएम में लिखा है, तो फोर ए स्क्वायर बी, अब देखना माइनस जब कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा बी स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब जाना पहचाना टर्म आ गया तुम्हारा, जैसा कि हमारे बारे में करते आते थे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया? तो देखना अब क्या किया हमने, वही लेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज माई डिस्क्रिमिनेंट डी, इसको लिख लो, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? वेयर बी इज माई डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको इसमें लिख लेते हैं एक बार, तो ये हो गया ए इंटू एक्स प्लस बी बाय ए माइनस डी बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा एक ही एक्सप्रेशन चलता आ रहा है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है चल रहा है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन पे वर्क कर रहे हैं अभी हम, इक्वेशन पे अभी मैं आऊँगा। फिर मैंने लिखा इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, तो जैसे मान लो मुझे 2 को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो क्या लिखूँ मैं, रूट टू का स्क्वायर, मान लो 3 को लिखना है तो रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आया? तो उसी प्रकार इसको लिखना है मुझे, तो देखना ए तो बाहर आई, ये x प्लस बी बाय, एक मिनट, ये 2a है ना, ए 2a इधर 2a, तो 2a स्क्वायर। अब देखना किसका स्क्वायर आएगा, ये देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस तो बाहर आई, रूट डी अपॉन 2a का स्क्वायर, जस्ट लुक एट हियर, सही लिखा है, करके देख लो, ओपन करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, डी इधर क्या आएगा, 4a स्क्वायर, वही लिखा है। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हम बचपन में पढ़ते आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो लिख लेते हैं, देखना क्या लिखा मैंने, ए इंटू, ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखूं मैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो लिख लेते हैं इसको, देखना ध्यान से, तो कैपिटल एक्स ये है मेरा, तो एक्स प्लस बी बाय 2a प्लस रूट डी बाय 2a, एक तो ये हो गया, और x माइनस वाई तो x प्लस बी बाय 2a माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, अच्छा अब इसको देखना और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देखना a इंटू, मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे, x माइनस ऑफ माइनस बी बाय 2a माइनस रूट डी, देखो अब एक बार समझ में आया क्या किया मैंने, क्या किया, इन दोनों को माइनस के टर्म में लिखा, क्योंकि मैं अभी आगे लिखने वाला हूँ इसको, एक्स माइनस सम अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसके लिए मैंने क्या किया, इस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा, या फिर एक काम करो, कंफ्यूजन हो रहा है तो इस माइनस को अंदर लेके जाओ, तो यू कैन सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी बाय टू ए, इधर प्लस रूट डी बाय टू ए, सिमिलर लेयर ऑल्सो, माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बी बाय टू ए, प्लस बी बाय टू ए, माइनस रूट डी बाय टू, तो एक ही चीज लिखी है। अब क्या है, अब हम अपना स्टैंडर्ड लगाते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको एक को अल्फा बोल दो एक को बीटा, तो लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ अल्फा,
और इस वाले ब्रैकेट को बोल रहा हूँ बीटा। तो क्या करो तुम लोग, मैं बोर्ड में उधर जगह नहीं है, तो आई एम राइट रविंग दिस पार्ट, तुम लोग इस पार्ट को कॉपी कर लो। देखना हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ड्यूरिंग द डेरिवेशन मैंने बोला है, तो ध्यान से सुनो लेक्चर। चलो अब क्या हो गया हमारा, देखना ध्यान से। तो लेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए, और अल्फा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय टू ए। अगर ऐसा है तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू, देखना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और मैंने किस कहाँ से प्रूव करते आ रहा था, किसके इक्वल था इनिशियल, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही चीज लिखी है, ये एक इक्वेशन नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे दिस इज एन आइडेंटिटी। अभी बताऊंगा आइडेंटिटी होता क्या है, उससे पहले दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ ये इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा है। जस्ट मैंने क्या किया, कुछ टर्म कॉमन लिए और उसको थोड़ा मॉडिफाई करता गया, बट इसको और इसको तुम इक्वेट करो बराबर आएगा। मतलब क्या कहने का मतलब, ये अल्फा और बीटा इसमें रखो प्लस कैपिटल डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखो, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल गेट दिस थिंग। क्यों, इसी जो मैंने डेरिवेशन किया उसी का उल्टा फ्लो हो गया जो मैंने अभी बोला, समझ में आया। हम इससे इधर गए और बल्कि इधर इससे इधर आना तो और आसान है, क्या करें हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, पहले अल्फा बीटा को ये रखेंगे फिर उसमें कैपिटल डी एक वेरिएबल है, कैपिटल डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखेंगे, व्हेन यू विल सिंप्लीफाइड यू विल गेट दिस थिंग। तो यही चीज ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इसको कॉपी करो, इसको मैं नंबरिंग देता हूँ इक्वेशन वन अपना, इक्वेशन वन, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सुनना। अब देखना जो अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, देखो अभी जब मैंने इसका डेरिवेशन किया, मैंने जब मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, तो एट दैट मोमेंट मैंने ऐसा कहीं अज्यूम नहीं किया कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है, मैं तो a को कॉमन लिया। अब a x का फंक्शन हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उस वक्त वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक के लिए तो a b c को कांस्टेंट होना है, बट मेरा अभी कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है मैंने उसको इसके इक्विवेलेंट लिखा, ड्राइव किया तुम्हारे सामने ड्राइव किया, तो इसको मैं जब ऐसे ड्राइव कर रहा था तो ड्यूरिंग दैट डेरिवेशन आई हैव नेवर यूज a इज कांस्टेंट, इस फैक्ट का मैं कहीं यूज नहीं किया हूं, ठीक है। अब मैं उसका यूज कर रहा हूं कि इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, या फिर तुम एक काम करो, एक लाइन और लिख लो इसके ऊपर कि दिस इज इक्वल टू दिस इवन इफ ए बी सी आर नॉट कॉन्स्टेंट, लिख लो। चलो पहले मैं लिख ही देता हूं, बेटर रहेगा। क्या लिखा, दिस इज ट्रू, ऐसे लिख लो, दिस इज ट्रू इवन इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट कॉन्स्टेंट, ये तो अभी भी ट्रू है क्योंकि इसके डेरिवेशन मैंने कहीं यूज किया ही नहीं कि एबीसी कांस्टेंट है। हाँ, शुरू में बोला था कि एबीसी कांस्टेंट होंगे तब मैं उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूंगा, बट मैंने बोला अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्रेशन बोल रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं, देखना, नाउ इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट, अगर अब मैं बोल रहा हूं एबीसी अगर कॉन्स्टेंट है तब ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो। नाउ इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस वे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, अभी तो मैंने प्रूफ किया ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, देखना फ्लो, देखना मैंने कैसे कैसे बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि ये जो लिखा है मैंने अभी, जो इक्वेशन वन लिखी है वो हमारी आइडेंटिटी, अभी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना। उसको तो मैंने ये बोला है कि ये अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं है तब भी दिस इज ट्रू, ठीक है, उस वक्त ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे उसको, बट एक्सप्रेशन तो बोलेंगे, एक्सप्रेशन होगा कोई तो एक्स का। अब मैंने बोला कि अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है तब दिस इज अ क्वाड्रेटिक और ये इसके बराबर है, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। अब मैं क्या प्रूव कर रहा हूं,
कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं. एक्चुअली व्हाट आई एम प्रूविंग इज क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं. क्या बोला मैंने कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं. कैसे सुनना एक बार और दोबारा. ये जो चीज है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मुझे पता है क्वाड्रेटिक है. कब? प्रोवाइडेड abc आर कांस्टेंट. सुनना एक एक ध्यान से. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इफ abc आर कांस्टेंट. तो लिखा है इफ abc आर कांस्टेंट दिस इज क्वाड्रेटिक. ये इसके बराबर है. अभी मैंने प्रूफ किया. तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इसके दो रूट्स हैं तो प्रूफ हो जाएगा क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, क्योंकि ये और ये एक ही चीज लिखी है बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक. समझ में आया? अब सुनना, अब आते हैं रूट्स पे. अब याद होगा तुम्हें जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो डेफिनेशन दी थी रूट्स की. जब मैंने डोमेन पढ़ाया था उसके जस्ट बाद रूट्स बताया था. रूट्स क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो. क्या लिखा मैंने? चलो इस पार्ट को भी कॉपी कर लो तुम लोग पॉज करके. आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑल्सो. मैंने क्या बोला? रूट्स. रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स आर वैल्यूज ऑफ x. x की वो वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2. इसके रूट्स क्या है? तो इसके रूट्स है 3, 2. क्यों 3 डालूंगा तब भी जीरो हो रहा है, 2 डालूंगा x है तो भी जीरो हो रहा है. तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है उस x की वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स. अब इधर आओ देखो. अब ये तीन चीजों का प्रोडक्ट लिखा है. लेट्स, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज और ये तीसरी चीज. अच्छा, जो पहली चीज है वो तो जीरो है ही नहीं. वो तो जब भी हमने ड्राइव किया था a is not equal to zero, then only this is quadratic. तो क्या है इसका मतलब? इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो क्या होगा? या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा. तो ये जीरो कब होगा? x is equal to alpha पे. और ये चीज जीरो कब होगी? x is equal to beta पे. Hence, alpha and beta are called roots. Plus, quadratic equation have two roots. ये हमने proof किया है. तो मैं क्या proof किया हमने? हमने ये proof कर डाला कि quadratic के दो roots होते हैं. तो मैं आया कि कैसे कि एक बार और flow देख लेते हैं. क्या किया हमने? पहले मैंने बोला ये एक x का expression है. Again, I have no बाउंडेशन की एबीसी क्या है. अभी के लिए इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. वो मैंने डेरिवेशन पूरा बताया. फिर मैं बोल रहा हूँ अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर एबीसी कांस्टेंट है प्लस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. इधर लिख लो इफ एबीसी आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा ए नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अभी मैंने ऊपर ड्राइव किया कि ये चीज इसके बराबर है. एक ही चीज लिखा है वो और ये सेम है, एकदम सेम है. तो इसको लिखना और इसको लिखना बराबर है. अब फिर मैंने बोला ये तो तीन का प्रोडक्ट लिखा है तो ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक है. तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा. ये जीरो होगा अल्फा पे, ये जीरो होगा बीटा पे. और एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए एक्सप्रेशन जीरो होता हो उन्हीं को रूट्स बोलते हैं. तो इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले इक्वेशन के रूट्स कितने हैं? दो ही रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा. हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू एग्जैक्टली टू रूट्स एंड द रूट्स आर हियर अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा क्या निकाला था? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए. तो इनको कंबाइन करके कैसे लिखूंगा जॉइंटली? अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए. और लिख लो एक्सपेंशन फॉर्म में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. मतलब एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, एक बार अल्फा आएगा एक बार बीटा. ऐसा नहीं है कि प्लस लोगे तो अल्फा आएगा माइनस लोगे तो बीटा. तुम अल्फा किसी को बोलो बीटा किसी को बोलो, ये बोलूंगा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 एंड 3 है. अब चाहे अल्फा को 2 बोल लो चाहे बीटा को 2 बोल लो. क्लियर है बच्चों? तो समझ में आया हमने क्या किया? हमने प्रूफ किया है कि ये जो क्वाड्रेटिक होता है उसके दो रूट्स होते हैं और रूट्स क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा इज दिस बीटा इज दिस. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चलो अब मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं. किस एक्सप्रेशन के बारे में? इसके बारे में. तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई रब दिस पार्ट, जस्ट कॉपी दिस, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट. याद रखना मैंने क्या बोला था, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये इसके बराबर हमेशा है, एबीसी कुछ भी हो. बाद में हमने कंडीशन डाली कि अगर एबीसी कांस्टेंट होंगे तब इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे. इस मतलब ये क्वाड्रेटिक है और ये जीरो जीरो हो रही है दो एक्स की वैल्यूज के लिए, दैट इज अल्फा एंड बीटा एंड दोस टू आर कॉल्ड रूट्स. ठीक है ना? इसको रेफर करूंगा मैं दोबारा. तो आई एम आई विल नॉट रब दिस पार्ट, दिस इज माय इक्वेशन 1. ठीक है, अब
सुनना, जैसे कि मैंने बोला कि ये चीज इसके बराबर है हमेशा फॉर ऑल एक्स, सच थिंग्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी। तो इधर लिख लो पहले इक्वेशन, अभी डिटेल में देखेंगे हम, इक्वेशन वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी मतलब ये जो LHS और RHS है वो बराबर होंगे हर एक x के लिए। जैसे कि सुनना मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मतलब दैट इज आइडेंटिटी मतलब क्या लिखेंगे, ट्रू फॉर एवरी x, ट्रू फॉर एवरी x। समझ में आया? इसमें x तुम कुछ भी लिख लो, रख लो, बट दोनों साइड बराबर आएंगे। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेस मतलब आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। जैसे कि सुनना ध्यान से, मैंने बोला ट्रू फॉर और एक्स, ऐसा मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक ही चीज को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं बस। जैसे कि मैंने लिखा 4x² is equal to 3x² plus x² this is an identity। अब तुम x कुछ भी रख लो इसमें, ऑफ कोर्स बराबर आएंगे यार, ये भी 4x² लिखा है, ये भी 4x² ही लिखा है, बट वो तो अलग फॉर्मेट में लिखा है, वही चीज इधर हो रही है। इसको मैंने एक अलग फॉर्म में लिख दिया, लिखी तो एक ही चीज है ना, hence this is an identity। क्लियर है बच्चों? मैंने क्या बोला कि अगर आइडेंटिटी है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है LHS और RHS दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल x। x हम कुछ भी डालो, तो इसमें x कुछ भी डालोगे दोनों साइड बराबर आएगा। समझ में आया? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन जो होता है, सॉरी आइडेंटिटी जो होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है ना? आप सुनना, तो this equation is called identity true for every x। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले आइडेंटिटी के ऊपर फिर हम आते हैं इक्वेशन के ऊपर। आइडेंटिटी में क्या होगा कि वो दे देगा कि ये इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। एक एग्जांपल लिख लेता हूं, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन जैसे लिखा मैंने इफ, जैसे लिखा if this is equal to this is an identity, then find a comma b comma c। तो अगर identity है, तो जैसे कि मैंने अभी बोला identity है तो क्या करें, it is true for all x, ठीक है? तो एक काम तो क्या कर सकते हो तुम, x की अलग अलग value डालो, just जैसे x की value 0 1 2 डालो, तो abc में तीन equation बनेंगे, तीनों को solve कर लो, but that will be a lengthy process। शॉर्टकट क्या है, अगर हमें दिया है कि ये आइडेंटिटी है तो क्या करो तुम, डायरेक्टली यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट्स, किसके कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट पार्ट को। तो यू कैन सी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर ए है, इधर क्या है 2, तो ए इज इक्वल टू 2, इधर क्या है बी, इधर क्या है 3, तो बी इज इक्वल टू 3, इधर क्या सी, इधर क्या 4, तो सी इज इक्वल टू 4। अगर ये आइडेंटिटी है तो ए को 2, बी को 3, सी को 4 होना पड़ेगा। रख के देख लो, अगर तुम इधर रख दोगे तो ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी है, अब एक्स कुछ भी डालो दोनों साइड बराबर ही आने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। तो जब भी अगर हमें दिया है क्वेश्चन में कि दिस इज एन आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे दोनों साइड। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल इफ, और अभी तो मैं एक्सक्वायर वगैरह की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ए साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 sin x प्लस b cos x प्लस c x² प्लस d x प्लस a। सुनो मैंने क्या बोला, एग्जांपल ऐसे लिखो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देन फाइंड ऑल कांस्टेंट ए बी सी डी, देन फाइंड ए बी सी डी और ई। तो क्या बोला मैंने कि अगर ये आइडेंटिटी है तो तुम्हें निकालना है ए बी सी डी। तो आइडेंटिटी होता है तो क्या करते हैं, सिंपल वी कैन इक्वेट द कोफिशिएंट। तो वेरिएबिलिटी जो पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, उसके तुम कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, इधर साइन एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है ए, उधर क्या है 9, तो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू कॉस एक्स का कोफिशिएंट इधर 2 है उधर क्या है बी, तो बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 7x² का कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड,
फिर x का कोफिशिएंट होता d इधर 9, तो d इज इक्वल टू माइनस 9 और e इज इक्वल टू इधर कॉन्स्टेंट पार्ट 4, हेंस दीज आर द वैल्यूज। समझ में आया कि हम अगर एक वो दिया है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, हम क्या करेंगे दोनों साइड कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। अच्छा अब सुनना, आइडेंटिटी बोलने के भी तीन तरीके से हैं, तीन तरीके हैं एग्जाम में। जैसे कि सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर आर थ्री वेज एक एग्जामिनर कैन आस्क कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि वो आइडेंटिटी बोलना चाह रहा है। देखना सुनना ध्यान से, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट वे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज एन आइडेंटिटी, डायरेक्टली बोल दिया उसने, तब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। उसने बोला दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, चलो इस हाँ ठीक है दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी। या फिर एक और बोलने का तरीका है कि वो इतना वर्ड ना लिखे, वो क्या करेगा डबल लाइन की जगह वो ट्रिपल लाइन यूज करेगा। इधर क्या लिखेगा देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, दिस मीन्स कि दिस इज एन आइडेंटिटी। समझ में आया। और लास्टली क्या बोलेगा देखना, थर्ड वे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं इतना लिखूं चलेगा, क्या मैं इतना लिखूं चलेगा, इससे ऐसा काम चल रहा होता तो हम एक और डंडी क्यों लिखते हैं, एक और ओरिएंटल लाइन क्यों लिखते हैं। इसका मतलब तो क्या है ना, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, क्या करेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक सब सारे टर्म्स एक साइड लेके आएंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस टू प्लस एक्स इंटू बी माइनस थ्री प्लस सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसको हम क्वाड्रेटिक के ट्रीट करेंगे। इसके तो दो ही रूट्स आएंगे, मतलब दो ही ऐसी एक्स की वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। बट आइडेंटिटी में तो मैंने पढ़ा था इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी डालो, तो ये तो आइडेंटिटी नहीं है। अभी केवल इक्वल टू लगाने से वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, इधर तो उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, तो इधर क्या लिखेंगे अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, वो लिखेगा दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स, ऐसा लिखने पे अब ये आइडेंटिटी बन गई। अगर ये नहीं लिखता फॉर ऑल एक्स तब वो क्या होता मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा मैंने, तो इसको तुम कॉपी कर लेना। कैसे लिखोगे, चलो मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ। देखो इस फॉर्म में अगर लिखा है, देखा थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिखा है तो ये आइडेंटिटी हो गया, और अगर केवल इक्वल टू लिखा है फॉर ऑल एक्स नहीं लिखा है, फॉर ऑल एक्स तो मतलब समझ में भी आना ना, ये इसके बराबर हर एक एक्स के लिए, तो मतलब क्या ये आइडेंटिटी। अगर मान लो उसने ऐसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, इतना अगर लिखा तो दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे हम इसमें सारे टर्म्स को इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस टू प्लस एक्स इंटू बी माइनस थ्री प्लस सी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसके तो दो ही रूट्स आएंगे, टू रूट्स मतलब दो एक्स की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बट इसके तो इनफाइनाइट रूट्स हैं, कुछ भी एक्स डालो। तो समझ में आया इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर क्या है, आइडेंटिटी जो होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, बट जो क्वाड्रेटिक होती है वो केवल दो ही रूट्स के लिए जीरो होगी। तो और मैंने अभी क्या बताया, इसमें तीन तरीके से एग्जामिनर बोल सकता है, क्या क्या, या तो बोले एक इक्वल टू लगा के बोल दे दिस इज एन आइडेंटिटी, या फिर एक इक्वल टू लगा के बोल दे इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, या फिर डायरेक्टली बोल दे तीन डंडी लगा दे हॉरिजॉन्टल दिस मींस कि दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर केवल उसने इक्वल टू लगाया और आगे कुछ भी नहीं लिखा दैट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट्स होंगे, उन्हीं दो एक्स के लिए वो एक्सप्रेशन जीरो होगा। बट आइडेंटिटी तो क्या होता है, हर एक एक्स के लिए ट्रू होती है। आई होप मजा आया होगा आज के लेक्चर में, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा क्वाड्रेटिक आगे जाके, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और आज का लेक्चर आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है, और क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना, रिमाइंड करना कोई भी चीज में डाउट है, और अभी से ही डाउट पूछना, डोंट कैरी योर डाउट्स, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे डेफिनेटली हमारा लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।